तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मेघ। तो स्वागत है आपका एक GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं इस बंदे को पूरा सक्सेसफुली अपने घर पर लेकर के तो पहुँच गया हूँ। और हाँ, हमने अभी तक इसको मिलिट्री के कर्नल को नहीं सौंपा है और सुबह हो चुकी है। और वैसे ना मिलिट्री के कर्नल का मेरे को कॉल भी आया था, तो अपने को मिशन उसने दिया था कि हमें इसकी जान बचानी है और इसको वहाँ से एस्केप करवा करके लेकर के आना है। वो हमने कर दिया है, लेकिन मेन टेंशन ये है क्योंकि अपने को बंकर के बारे में पता है और इस बंदे को भी पता कि हमने इसे सच उगलवाया था। और यहाँ पर वैसे इसको टॉर्चर तो हमने कर दिया है और लमार देख रहे हो, हाथ में पिस्टल है और कह रहा है कि अगर तूने मिलिट्री कर्नल को कुछ भी बताया कि माइकल को पता है उस बंकर की लोकेशन और ये लोग वहाँ पर गए थे, तो माइकल भाई मुसीबत में फंस जाएगा। तो लेस्टर ने यहाँ पर ना जैसे तैसे जुगाड़ लगा करके एक चिप तैयार करी और चिप को उसकी शर्ट के अंदर छुपा रखा। मतलब यार, एक तरह से कह सकते हो अगर इसने वो चिप फेंकने की भी ट्राई करी तो लेस्टर को पता चल जाएगा। और अगर इसने मिलिट्री कर्नल को कुछ बताया तो हम लोग ना इसकी जा करके वाइफ को ख़त्म कर देंगे। और बाकी मैं आपको बताता हूँ इतनी जल्दी भी क्या है। और यहाँ पर लेस्टर कह रहा है कि अभी माइकल इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते क्योंकि चिप अभी इसमें इंस्टॉल करनी बाकी है। अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और भाई, एक इसकी वाइफ रहती है लॉस सैंटोस में, कोई एक कॉलोनी है उसके अंदर ही इसकी वाइफ का घर, मतलब इसका खुद का घर है। तो अपने को ना पहले वहाँ पर जाना होगा और उसके बाद हमें इसके घर पर बॉम्ब लगाना है। और बॉम्ब अपने को एक शॉप से ख़रीदना होगा, मतलब एक स्पेशल शॉप है, कोई नॉर्मल शॉप नहीं है। अब जल्दी से हम लोग ना यहाँ से ना अपनी चेस्को को लेकर के निकलते हैं। और सामने की साइड वो टैंक देख रहे हो गाइस, इसने अपनी ज़्यादा कुछ मदद नहीं करी, लेकिन ठीक है, जान बचाने में हम लोग तो कामयाब हो गए हैं इस टैंक की वजह से। तो अब जल्दी से ना अपनी चेस्को को मैं लेकर के यहाँ से निकलता हूँ सीधा पहले उस शॉप पर, और शॉप के बाद हम लोग चलेंगे सीधा उस बंदे की वाइफ के घर पे। और वहाँ पर बस अपने को ना बॉम्ब लगाना है, और वो जो बॉम्ब का पूरा एक रिमोट होगा वो होगा लेस्टर के पास। अगर इसने मुँह खोला मिलिट्री कर्नल के पास अपने खिलाफ, हम लोग इसको बाद में मारेंगे, पहले मैं इसकी वाइफ को ख़त्म करूंगा और इसका जो पूरा घर गाड़ी है वो सारी उड़ाएंगे। अब जल्दी से ना मैं पहले अपनी गाड़ी को भगाता हूँ। और कोई बंदा आएगा पता नहीं, अभी लेस्टर ने पूरा कंफर्म मेरे को नहीं बताया कि हम एक शॉप पर जाना है या तो कोई बंदा बॉम्ब डिलीवर करने के लिए आएगा। हाँ यार, अगर आप इस वीडियो पर नहीं हो तो जल्दी से जा करके वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के मैं पूरी 15,000 लाइक का चैनल पर, चैनल को भी चूज ना सब्सक्राइब कर देना। 3,25,000 के बहुत ज़्यादा हम लोग क्लोज हैं। जल्दी से आप लोग क्या काम करो, सबके सब सब्सक्राइब करो। और मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी भगाता हूँ, चलता हूँ सीधा उस बंदे की लोकेशन पर। जैसा भी होगा मैं अभी बताता हूँ, एक बार लेस्टर से कंफर्म कर लेता हूँ। चलो यार, इस टाइम पर मैं अपनी जेस्को को लेकर के ना पहुंच गया हूँ एक होटल की पार्किंग में। और वो जो होटल है वो कुछ ज़्यादा VIP है, और अपनी जेस्को को क्या सस्ते नशे हो गए थे, बिन बात के ही रोटेट हो गई थी। और अपने को कोई शॉप पर नहीं जाना था, शॉप का कोई बंदा वो खुद अपने को डिलीवर करने के लिए आएगा एक बॉम्ब। और जल्दी से ना हम लोग इस होटल की पार्किंग में चलते हैं। और ये जो होटल है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और सिक्योरिटी वाला तो मेरे को बाहर नज़र आ रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, शांति से ना कोई भी एक पार्किंग में जाकर के खड़े हो जाते हैं। और पार्किंग में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो मैं बिल्कुल ना कोने पे अपनी चेस्को को खड़ा देने वाला हूँ। लेकिन एक मिनट भाई, मैं पीछे देख रहा था, अभी अपनी गाड़ी ठुकी होती और वैसे अपनी चेस्को का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन जो सामने वाली गाड़ी है उसका बहुत कुछ हो जाता। तब तक मैं एक काम करता हूँ, सिक्योरिटी वाले मेरे ऊपर शक ना करें तो मैं फ़ोन वगैरह निकाल करके इधर उधर थोड़ा बहुत घूमता हूँ और पूछते हैं यार वो बंदा कब आएगा। लेस्टर ने मेरे को उसका नंबर दिया था, तो जल्दी से ना पहले मैं उसको एक बार कॉल कर लेता हूँ। एक तो नंबर उसका बिजी आ रहा है, पता नहीं भाई क्या सीन है, एक बार ना काट करके ना वापस से मैं उसे कॉल करता हूँ। और यहाँ पर उसका नंबर बिजी आ रहा है, तो शायद से वो बिजी हुआ पड़ा होगा लेस्टर के साथ। थोड़ा सा ना एक बार आगे चल करके देखते हैं, एक सिक्योरिटी वाला तो बंदा मेरे को नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब वो लंबोर्गिनी उरस है। तो ठीक है, हम लोग यार पार्किंग में इधर उधर घूमते हैं, इसको लगे कि हम लोग कोई काम करने के लिए नहीं आए हैं, मतलब यहाँ होटल वगैरह देखने के लिए आए हुए हैं। तब तक शायद वो आ जाएगा, तो अपने को जैसे तैसे टाइम पास करना ही होगा और तो हम कर ही कह सकते हैं। मेरे उस बंदे से पूरी बात तो हो गई है और वो ना यहाँ पर पहुँचने वाला है। और बाकी वो जो बंदा देख रहे हो वो जो लंबोर्गिनी उरस है उसकी है, और वो कह रहा है कि मैं ना एक थोड़ी ग्रीन, थोड़ी सी अलग ही कलर है गाड़ी का, कुछ गंदा सा बता रहा था। और शायद से एक मिनट, जिस कलर की मैं बात कर रहा हूँ वो गाड़ी ये है क्या? और ये यहाँ पर ठीक है,
वो कह रहा था कि मेरे सर के ऊपर थोड़े ही बाल हैं, तो मेरे को लग रहा है कि वही बंदा है। तो ये जब रुकेगा मेरे को इसके पास चलना होगा, और ये भी अपनी गाड़ी को ना पार्किंग में लगा रहा है, नहीं पार्किंग में नहीं लगा रहा, हाँ यार मेरे को कन्फर्म हो गया है वो यही बंदा है। और ये शक डालने वाले काम क्यों कर रहा है भाई, एक मिनट रुक जाना, बैग दे और निकलता बन इधर से। अच्छा ठीक है यार, ये अपने को बुला रहा है अपने पास, तो जल्दी से चलते हैं इसके पास। ठीक है यार, इस बंदे ने ना मेरे को बैग तो दे दिया है और ये यहाँ से ना जा चुका है। और बंदा बहुत ज़्यादा अजीब था, गाड़ी से ना अपने एक भी पैर बाहर नहीं रखा इसने, सीधा बैग फेंक करके ना मारा एक विंडो खोल करके, और कह रहा है कि ये बॉम्ब है, इसको जा करके वहाँ पर चिपका दे। और बाकी इसका जो रिमोट है वो भी इसने मेरे को दे दिया है, और कह रहा है कि जब तुम उस बटन को प्रेस करोगे उसी टाइम पर होगा ब्लास्ट। और याद रहे कि अगर गलती से भी ये बटन दब गया तो इसको ना हम लोग डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, ये ब्लास्ट होगा ही पूरे 2 या 3 मिनट बाद। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं इधर से सीधा उस बंदे की वाइफ के घर पे, मतलब खुद उसी का घर है यार, मैं वाइफ का घर क्यों कह रहा हूँ। और अरे निकलो ना आंटी यार, तुम बिन बात के यहाँ पर जा रही हो पूरी चौड़ में। अब भगाते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी को। और जो उस बंदे का घर है वो थोड़ा लॉस सैंटोस के मेन एक वीआईपी कॉलोनी है कोई, वहीं कहीं उसका घर है। तो अपने को ना अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा आराम से भगाना होगा, और एक तो जैसे को इतने दिन बाद चला रहा हूँ तो डर लग रहा है कि ठुक ना जाए, बाकी सब कुछ सही है। अब भगाते हैं थोड़ा, इतना भी यार डरना नहीं चाहिए, जितना डरूंगा मेरे को लग रहा है उसी टाइम पर अपनी गाड़ी और ठुक जाएगी। और देखते हैं यार, आज इतने दिनों के बाद तो मैं अपनी जेस्को को ड्राइव कर रहा हूँ, और अरे यार मेरे को लग रहा है अब फीलिंग आ रही है अंदर से कि अब गाड़ी अपनी ठुकेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन ट्राई करूंगा कि ना ही ठुके। तो जल्दी से भगाते हैं अपनी गाड़ी को, चलते हैं सीधा उसी कॉलोनी में। चलो यार, इस टाइम पर ना मैं अपनी गाड़ी को लेकर के ना उनके एरिया में तो पहुंच गया हूं, और बाकी मेरे को ना यहां पर थोड़ा बहुत पेशेंस से जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को शक हुआ तो वो लोग ना मेरे को लात मार करके इस कॉलोनी से बाहर निकाल देंगे। और ये हेलीकॉप्टर भी है यार, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये एक वीआईपी एरिया है, तो हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर होना छोटी सी बात है। अब अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पर पार्क करते हैं। और ठीक है यार, ये बंदे कुछ ज़्यादा अमीर तो लग नहीं रहे हैं, सड़क छाप लग रहे हैं, लेकिन ठीक है यार, किसी की भी शक्ल देख करके हम लोग उसको जज नहीं कर सकते कि वो बंदा कितना अमीर है या कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे मैं भी एक गैंगस्टर हूँ, इस टाइम पर कोई मेरे को नहीं बोल सकता कि मैं एक गैंगस्टर हूँ। तो जल्दी से ना हम लोग यहाँ से चलते हैं सीधा आगे की साइड, और वो एक फ्लैट में रहती है। मेरे को लगा था कि पूरा एक घर होगा, लेकिन वो एक फ्लैट है। अब अपने को ना जल्दी से ना आगे से स्टेयर्स लेनी होंगी, और एक तो मैं ना भाग करके चलता हूँ क्योंकि ना अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरे बैग के अंदर बॉम्ब है, और अगर किसी को शक हुआ, शक की बात छोड़ो, अगर बॉम्ब खुद ही ब्लास्ट हो गया तो सोचो यार दिक्कत तो रहेगी बहुत ज़्यादा गंदे वाली। तो यहाँ से मैं आराम से चलने वाला हूँ, और कुछ लोग खड़े हैं मतलब कि शहर से टेनिस खेलते हैं, और ठीक है सर खेलो आप टेनिस। और ये मेरे को लग रहा है कि कोई ट्रेनर है इनका। और अपने को ना यार ऊपर की साइड जाना होगा, और मेरे को स्टेयर्स नज़र आ रही हैं। देखो यार मेरे को जाना ना जस्ट सामने जो स्टेयर्स है वहाँ पर है, और मन कर रहा है कि यहाँ से जंप करके चला जाऊँ और फिर सामने की तरफ मेरे को स्टेयर मिल जाएंगे। लेकिन जो बंदे खड़े हैं पीछे ये सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, तो एक काम करता हूँ, अब वो लोग बहुत ज़्यादा दूर हैं यहाँ, अरे भाई यहाँ से जंप करते हैं। और ठीक है यार, किसी ने देखा तो नहीं है ना, नहीं किसी ने भी नहीं देखा। और ये जो स्टेयर्स, अरे मैं उल्टा ही आ गया हूँ। ठीक है यार, एक तो ना आया इस जगह पर फर्स्ट टाइम हूँ, और ऊपर से मैं आया भी उल्टा हूँ, और यहाँ से स्टेयर्स चढ़नी थी, मैं दूसरी साइड से जा रहा था। और जो उसका घर है वो थोड़ा नीचे पता नहीं ऊपर की साइड है, और अपने को ना जस्ट उसके दरवाजे पे बॉम्ब नहीं चिपकाना है, हमें उसके घर के ऊपर चिपकाना है बॉम्ब। तो जल्दी से ना हम लोग इसके रूफ पर चलते हैं और देखते हैं जहाँ भी अपने को जगह मिली वहाँ पर बॉम्ब को चिपका देंगे। और वैसे मैं रूफ के ऊपर तो आ ही गया हूँ, बिल्कुल ना गाइस, उसका जो रूम है वो कॉर्नर वाला है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बिल्कुल आखिरी में आपको नीचे की साइड दरवाजा नजर आ रहा ना वो उसका रूम है। तो जस्ट ना अपने को चल करके ना यहाँ पर बस बॉम्ब को लगा देना चाहिए, और देखते हैं। अभी तो मैंने बैग भी खोल के नहीं देखा कि बॉम्ब कैसा इधर। फाइनली गाइस, इस टाइम पर मैंने बॉम्ब को इंस्टॉल कर दिया है। इस बॉम्ब की खास बात ये है, अगर किसी ने भी इसको निकालने की यहाँ से ट्राई करी या डीएक्टिवेट करने की ट्राई करी तो ये सीधा ब्लास्ट हो जाएगा। धमाका इतना तगड़ा नहीं होगा क्योंकि ना इस बिल्डिंग को तो बिल्कुल भी नहीं उड़ा सकता, और लेकिन इतना इसमें दम है, इस एरिया से अगर ये ब्लास्ट हुआ तो मतलब 3-4 रूम तो आराम से ये ब्लास्ट कर देगा, इतना तो इसमें दम है। तो ठीक है भाई, अपने को इतना ही चाहिए। और अगर किसी ने इसको हिलाने की ट्राई करी तब ये ब्लास्ट होगा, और दूसरे नंबर पे ये ब्लास्ट तब होगा अपने रिमोट से। ठीक है, जैसे तैसे ना हम लोग यहाँ से चलते हैं, और नीचे की तरफ कुछ लोग हैं, इनको बस मेरे ऊपर शक ना हो जाए, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़े वाली। और हम लोग चलते हैं सीधा नीचे की साइड। पहले मैं ना इन चेयर्स के ऊपर चढ़ता हूँ, और कोई भी नहीं है ना, नहीं कोई भी नहीं है। और यार बिल्डिंग का जो डिज़ाइन है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और एक मिनट, ये कौन मेरे को धमकी दे रहा भाई लड़ने की,
ठीक है, वैसे डिजाइन ठीक है, नहीं भी ठीक, क्योंकि ना कोई भी चोर आराम से ऐसे करके चढ़ जाएगा। और भाई मैं चोर थोड़ी हूँ, मैं जो चढ़कर दिखा रहा हूँ, मतलब ठीक है भाई, कुछ ज़्यादा खास भी डिज़ाइन नहीं है। चलो यार अब जल्दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी को उठाते हैं, यहाँ से चलते हैं अब घर पे, और उसके बाद मिलिट्री कर्नल के पास जाना है उस बंदे को लेकर के। उस बंदे को हमने देखो टॉर्चर कर दिया है, और वो कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा, लेकिन एक शर्त है, अगर वो वहाँ पर पहुँचा मिलिट्री कर्नल तो दिक्कत हो जाएगी, तो तुम्हें ना वहाँ पर पत्थर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक पत्थर के पीछे है, क्योंकि वो सीक्रेट एक बंकर था, आपको भी पता है, और हमने भी उस पत्थर को हटाया था, ऐसा कुछ सीन था। अब जल्दी से ना चलते हैं पहले उस बंदे के पास और देखते हैं क्या करना है, पर मौके पर देखेंगे। ओके यार मैं घर आ चुका हूँ अपनी गाड़ी को लेकर के, और मेन प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी ना, अपने को पत्थर का भी एक जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जल्दी से अपनी जेस्को को ना मैं अंदर की साइड पार्क कर देता हूँ, लेकिन एक मिनट, अरे यार लमार इसको बाहर की साइड लेकर के खड़ा है, और निकल ले आंटी, एक तो पता नहीं भाई मेरे से ये लोग डरते हैं, लमार वगैरह से तो बिल्कुल भी नहीं डरते। तो चलो निकलो इधर से, लेस्टर ने इनको परमिशन दी है, घर में कभी भी आ जाते हैं, और उनका तो गार्डन नहीं है घर में, हमारे घर पर आकर के पूरा दिमाग खराब करते हैं। तो जल्दी से ना एक बार लमार से बात करते हैं कि लेस्टर ने क्या बोला है। अब ठीक है यार मेरी लमार से इस टाइम पर ना पूरी बात हो गई है। तो लमार अपने को कह रहा है कि तो इस बंदे को ना लेकर के माइकल निकल इस टाइम मिलिट्री के कर्नल के पास, और बाकी ये कुछ भी नहीं बोलेगा, इतना ना हमें तो 100% गारंटी हो गई है, क्योंकि हमने इसके घर पे बॉम्ब लगा दिया है, और ऊपर से अगर इसने कुछ बोलने की भी ट्राई करी तो इसके अंदर एक चिप इंस्टॉल है, मतलब इसके कपड़ों के अंदर है, और अगर ये कुछ ज़्यादा उसको हिलाने की भी ट्राई करेगा ना उस चिप को, तो जा करके ना इसको हम लोग ठोक देंगे मिलिट्री बेस के अंदर ही घुस करके। लेकिन इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, और हम लोग यहाँ से चलते हैं। और देखो इस टाइम पर एक प्लान और मैं आपको बताता हूँ, मिलिट्री कर्नल अगर वहाँ पर अकेला हुआ तो सोच लो आज मिलिट्री कर्नल को मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि आज ये टैंक है मेरे हाथ में, और ये जो टैंक है आप सबको पता है कितना ज़्यादा पावरफुल है, अगर इससे कोई टकराता है तो ये उसको पूरा ब्लास्ट कर देता है। और एक बार मैं आपको अंदर से दिखा दूँ, तो बैठा है ना साथ में मेरे, ठीक है, और कुछ जगह बाहर की साइड, और रिजाइन भाई, लेकिन मैं क्यों डर रहा हूँ यार पुलिस वालों से। तो ठीक है हम लोग निकलते हैं, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत करेंगे ना अभी ब्लास्ट कर दूंगा, इसमें फ्लेम थ्रोवर भी लगा, जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं। और आ देखो हम लोग ये ट्राई करेंगे प्लान में कुछ ट्विस्ट है कि मिलिट्री कर्नल अगर हमें अकेला दिख गया उसको इस टैंक से कुचल दूंगा, और इस टैंक में तो कुछ भी नहीं होने वाला ना, तो ठीक है ये एक गोल्डन चांस हो सकता है मिलिट्री कर्नल के लिए सीधा मरने का, बचने का नहीं मरने का प्लान भाई लेस्टर ने अभी के अभी बनाया ये। तो देखते हैं जैसा भी सीन है, भगाते हैं अपने इस ट्रक को और पहुंचते हैं मिलिट्री की लोकेशन पर। लेकिन यहाँ कुछ अलग तू गलत चला रहा है, चल निकल इधर से, देख रहे उस बेचारे का नुकसान कर दिया है। लेकिन अरे नहीं भाई यार एक के चक्कर में यहाँ पर 5 गाड़ियाँ ब्लास्ट हुई हैं। नहीं यार सॉरी मेरे को माफ़ कर देना, निकलता हूँ मैं जल्दी से इधर से। और देख लो यार आपके सामने है कितना ज़्यादा पावरफुल ट्रक है ये, और फ्लेम थ्रोवर भी आपको दिखा देता हूँ जिन्होंने नहीं देखी है। और यहाँ पर फ्लेम निकलती है ग्रीन कलर की, अरे नहीं पेट्रोल पंप के मैं बिल्कुल सामने आग निकाल करके दिखा रहा हूँ। और इसको देख लो टूटी सी गाड़ी लेकर के चल रही है, और पता नहीं भाई क्या कुछ हो रहा है सिटी में। भगाते हैं ट्रक को, चलते हैं सीधा मिलिट्री कर्नल के पास। ठीक है गाइस इस टाइम मैं टैंक को लेकर के पहुंच गया हूं बताई हुई मिलिट्री कर्नल की लोकेशन पर, और आज रेडी हो जाओ हम लोग मिलिट्री कर्नल की गेम बजा देंगे। और देखो यार कैसी फनी सी बात है, जो उसने अपने को बुलेट प्रूफ ट्रक दिया था हम लोग उसी की मदद से उसकी गेम बजाने वाले हैं आज। और बाकी उसने बहुत ज़्यादा बड़ी वाली गलती कर ली अपने को ये ट्रक दे करके, लेकिन उसने अपने को एक सुनसान जगह पर बुलाया है, और हम लोग पहुँच तो गए हैं उसी जगह पर, लेकिन एक मिनट सामने की तरफ 3 टैंक खड़े हैं, और ये हो ना हो ये मिलिट्री की ही टैंक लग रहे हैं मेरे को। अब मेरे को ना जैसे तैसे वहाँ पर चलना होगा, और मैं जो सोच रहा था कि अरे भाई ये मिलिट्री का कर्नल है मैं भूल कैसे गया, यहाँ पर इसने अपने को मतलब मारने के लिए कर रखा है क्या ये सब कुछ। मैं नॉर्मल तरीके से उतरता हूँ कहीं दिक्कत हो जाए। देखो गाइस ये बंदा भी उतर गया है, मैं भी उतर गया, और यही तो बंदा मेन है। अब जल्दी से ना सामने की साइड मिलिट्री का कर्नल खड़ा हुआ है, अब जल्दी से उसके पास चलते हैं। और मेरे को ना भाई डर लग रहा है बहुत ज़्यादा गंदे वाला, क्योंकि 6 टैंक खड़े हैं और सिक्योरिटी भी खड़ी है मिलिट्री की, और देख रहे हो वो बंदा उन्हीं को देख रहा है। और कर्नल आ भी जा भाई कि मैं ऊपर नहीं, मैं ऊपर जाऊँगा तो मुँह पर मुक्का मार के नीचे गिरा देगा ये। ठीक है गाइस इस टाइम पर देख रहा हूँ मिलिट्री कर्नल से मेरी पूरी बात यहाँ पर हो चुकी है, और कर्नल कह रहा है ठीक है माइकल बस तेरा काम इतना ही था। और देखो गाइस उसकी धुलाई तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है,
और ये लोग ना उसको पूरा टॉर्चर करने वाले हैं अभी से, क्योंकि इनको उस बंकर का राज जानना होगा। और मैं यहाँ से निकलता हूँ, इनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। और बाय बाय टैंक यार, मेरे को वो टैंक बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, लेकिन इस टाइम पर मेरे को उस टैंक को छोड़ करके यहाँ से निकलना होगा। और उस बंदे को देख रहा हूँ भाई, वो बचने के लिए भाग रहा है, लेकिन मिलिट्री वाले ने उसके बैट रख के बजा दिया है। और ये गाड़ी खड़ी है पीछे की साइड, अपने को ना इस गाड़ी में बैठना है। यार ये मिलिट्री कर्नल ने अपने को गाड़ी दी है यहाँ से जाने के लिए, और स्टार्ट हो जाती है ना ये। हाँ स्टार्ट यहाँ पर ये गाड़ी हो चुकी है, अब जल्दी से ना इसको लेकर के चलते हैं। और भाई यार मेरे को ना लग नहीं रहा कि ये गाड़ी अपने को पहुँचा देगी सीधा घर तक। और शुक्र करो मिलिट्री कर्नल ने अपने को यहाँ से जाने की परमिशन दे दी है, मेरे को लगा था कि वो अपने को सीधा बचा देगा। और पीछे उसके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, और देख रहे गाइस वो बंदा भाग रहा है बच करके, और वो जो बंदा है मिलिट्री का वो उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको मारने के लिए। और एक काम करते हैं यार, एक गाड़ी ना मैं आगे की साइड लेकर के चलता हूँ, पता नहीं यार मेरे को बढ़िया सा नहीं लग रहा। और गाड़ी दिखने में ना बिल्कुल बेकार हो, लेकिन हैंडलिंग तो इसकी परफेक्ट सी लग रही है मेरे को। चलो यार अब जल्दी से ना अपने बिनोकुलर से मैं देखता हूँ सामने की साइड चल क्या रहा है। वो बंदा ना भाग करके मेरे पीछे की साइड तो आ गया था, लेकिन उसको ना घसीट करके इन्होंने वापस से गिरा दिया। और देखो चार चार पांच पांच मिलिट्री वाले बंदे लगे हुए हैं उसको मारने के लिए, और वो जब भी उठता है उसी टाइम उसको मार करके बैट गिरा देते हैं। और ये लोग यार आपको पता ही है उस पासवर्ड के पीछे हैं, मतलब अगर इनको पासवर्ड पता चल गया तो उस बंकर तक ये लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन ना वो बंदा पासवर्ड बता देगा उन्हें। उससे पहले अपने को एक पत्थर का जुगाड़ करना होगा, और लेस्टर को ना जल्दी से मैं कॉल करता हूं और देखते हैं ये गाड़ी। अरे भाई ये क्या गंदी सी गाड़ी है यार, लेफ्ट राइट में घूम जा रही है। अभी मैं कह रहा था कि इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन अब नहीं लग रहा कि इसकी हैंडलिंग परफेक्ट है। अब जल्दी से ना मैं इसको भगाता हूँ थोड़ा बहुत, अब देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है। देखो गाइस बात कुछ ऐसी है, इस टाइम पर ना मेरे को ना लेस्टर से बात करनी होगी, और अपने को ना इस टाइम पर पत्थर का जुगाड़ करना होगा, क्योंकि आप सबको पता है लास्ट टाइम जब हमने उस बंकर को ढूंढा था तो वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। और जैसा कि ना उसने मिलिट्री कर्नल को भी बताया ही होगा कि वहां पर एक पत्थर है, पत्थर को हटाना है, उसके पीछे वो बंकर है। ठीक है यार अब जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर रोकता हूँ पहले। अब जल्दी से ना लेस्टर से एक बार बातचीत करते हैं कि अब लेस्टर अपने पास बस 5 से 10 मिनट ही है, क्योंकि ना पूरी मिलिट्री वहां पर खड़ी थी, और वो बंदा इतनी मार तो खाकर बता ही देगा भाई उस लोकेशन के बारे में। ठीक है गाइस इस टाइम पर लेस्टर से मेरी पूरी बात तो हो गई है, और लेस्टर बोल रहा है कि माइकल ठीक है वो तो मेरे को पता है क्योंकि पत्थर का जुगाड़ मैंने कर लिया है। अब पता नहीं भाई वो एक ट्रक और ट्रेलर में एक पत्थर को लोड करवा करके फ्रैंकलिन के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा, और कह रहा है कि तू कैसे है उस टैंक को लेकर के पहुंच जा। मैंने बोला देख भाई वो मिलिट्री के टैंक था, उन्होंने वापस ले लिया है, और मेरे को ये सस्ती सी गाड़ी उन्होंने पकड़ा दिया है। और लेस्टर बोला यार फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो एक काम कर तू उसी गाड़ी को लेकर के ना जैसे तैसे वहां पर पहुंच जा, और पत्थर की तो टेंशन बिल्कुल भी मत ले, उसका तो जुगाड़ हमने कर ही दिया है। भगाते हैं यार गाड़ी को अपनी और चलते हैं सीधा उसी लोकेशन पर। और एक तो ना इसकी स्पीड 80 से ऊपर बढ़ने पे ही नहीं आ रही है, और एक मिनट उसकी क्या ही भाई साइकिल चुरा करके क्या मिल रहा है तेरे को, और निकल ये छोटे मोटे चोर है। एक मिनट एक काम करता हूँ भाग इधर से, मूड पहले खराब है, और तू साइकिल लेकर के भाग अपने बिन बात के, पैदल भागा तो तेरे को भी पीट दूंगा मैं, देख रहे हो। ठीक है भाई इसने साइकिल ले ली अपनी, और भाग जल्दी से। पता नहीं भाई उसके पैर पर मैंने गोली बजाई है, लेकिन वो बंदा ढीठ था फिर भी उठ करके भाग गया। तो चलो गाइस अब भगाते हैं अपनी गाड़ी को, और टेंशन हो रही है जब तक हम लोग वहां पर पत्थर नहीं लगा देंगे तब तक ना कुछ भी बढ़िया नहीं लग रहा मेरे को। आप लोग यहाँ पर मेरी गाड़ी को देख रहे होंगे, और आप सोच रहे होंगे कि इसकी गाड़ी को क्या हो गया, ये कैसे टूट फूट गई है, क्योंकि एक सीरियस सी प्रॉब्लम हो गई है। इतनी जल्दी इन्होंने पत्थर का जुगाड़ लगा लिया था ना एक बड़े से रॉक का फ्रैंकलिन एंड लेस्टर ने, और उतनी ही जल्दी इन्होंने एक ट्रक को पलटा लिया है, मतलब उनका एक्सीडेंट हो गया लेस्टर एंड फ्रैंकलिन का। लेस्टर को चोट भी लगी है, और फ्रैंकलिन के पास कुछ पुलिस वाले आकर के फाइट कर रहे हैं। और देखो एक मिनट सामने की साइड ये रहा फ्रैंकलिन, तो चल निकल इधर से, और ये कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। और भाई इतना बड़ा पत्थर इन्हें मिल कैसे गया यार, और तू कुछ ज़्यादा चौड़ा नहीं हो रहा रेंच लेकर के। ठीक है उसके तो बचा दिया है, और एक मिनट अब मेरे को ना उतरना पड़ेगा फ्रैंकलिन तू इसके बजा, और मेरे को ना इनके बचाने दे, निकल इधर से जल्दी से। ठीक है गाइस इस टाइम पर ना मैंने इन दोनों को बचा दिया यहाँ पर, और फ्रैंकलिन कह रहा है कि ठीक है माइकल इस टाइम पर अपने को निकल लेना चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हो यार कि जो अबे भाई मर जा क्या सीन है, यहाँ पर ये जितने भी बंदे हैं ना यहाँ पर टकरा रहे हैं, लेकिन एक मिनट नहीं 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 भाई मैं तेरे को नहीं मारने वाला, बस तू भी मत मेरे को मार देना।
ठीक है अब अरे भाई यार, एक तो ना फ्रैंकलिन अपने को ना यहाँ से निकल लेना होगा, और ये कुछ ज्यादा चौड़ा हो रहा था, निकलो इधर से। और लेस्टर की भी एक बार ना हालत देखते हैं, आजा फ्रैंकलिन, वो मर गया, उसको क्या ही मारना, मरे हुए बंदे को क्या मारना। और लेस्टर कहाँ गया भाई, लेस्टर मेरे को कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, और यही कहीं है जैसे कि अपने को फ्रैंकलिन बता रहा है। तो देख रहे हो गाइस यहाँ पर लेस्टर है, और ये जो बड़ा सा पत्थर है ये लेकर के ये लोग पलट गए हैं। अब ये सीधा तो नहीं हो सकता ट्रक एंड ट्रेलर, तो अपने को ना इसको यहीं पर छोड़ना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर पुलिस आकर के अटैक कर दे। तो हम लोग एक काम करते हैं भाई, पुलिस के सायरन सुनाई दे रहे हैं मेरे को, तो मेरे को ना एक काम कर लेना चाहिए जल्दी से ना, पहले कोई ना कोई यहाँ पर व्हीकल अपने को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी एक्सीडेंट हुआ है और मैं मौके पर ना आ गया हूँ। और फायर फाइटर्स वाले थे यार क्या ये, ठीक है फायर फाइटर वाले हैं तो पुलिस वाले भी जरूर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओ भाई कितनी ज़्यादा खतरनाक गाड़ी लग रही है, लेकिन ये रोल्स रॉयस बिल्कुल भी नहीं है। चलो निकलो इधर से, अपने को यहाँ से जाना होगा। और तू उतर ना, तुझे उतार करके फेंकूँ क्या, ठीक है उसको मैंने फेंक दिया है। और आजा भाई फ्रैंकलिन जल्दी से गाड़ी में बैठ, और हम लोग निकलते हैं इधर से। ठीक है गाइस इस टाइम पर ना लेस्टर के पास चलते हैं, और भाई फाइनली लेस्टर यहाँ पर आ गया है, और सामने के साइड आप देख रहे हो कितना ज़्यादा नुकसान हो गया है। और चलो भाई अब क्लियर तो होने नहीं वाला जैम, और इससे अच्छा कि हम लोग सब कुछ ब्लास्ट ही ना कर दें। ठीक है अब एक एक करके यहाँ पर ब्लास्ट होते रहो। और एक मिनट भाई, ये पुलिस का हेलीकॉप्टर रखा है मेरे सर के ऊपर, हाँ भाई ये पुलिस का हेलीकॉप्टर है। और हम लोग यहाँ से ना इस गाड़ी को लेकर के निकलते हैं, शायद से ना बिल्कुल भी शक अपने ऊपर अभी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि जो ब्लास्ट है वो मैंने जानबूझ के पीछे की साइड करा था, वो तो शुक्र करो हेलीकॉप्टर ने मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखा है। अब निकलते हैं इधर से, लेकिन एक मिनट भाई ये ट्रैफिक पुलिस है, मेरे को भी ना थोड़ा बहुत डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। और यार इन्होंने मेरे को देख लिया यार, लेस्टर एक काम कर तुम्हें भी फाइट करना पड़ेगा, और फ्रैंकलिन भाई तू भी फाइट कर, और निकल लो ना इधर से। एक तो ना ये जो गाड़ी है मेरे को लग रहा है कि कभी भी ना ये ब्लास्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा खतरनाक गाड़ी तो नहीं है। और नीड है मेरे हाथ में, मैं एक काम करता हूँ वेपन से ना कम लटने की ट्राई करता हूँ, ये जो नीड है इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है यार एक काम करते हैं, पीछे की साइड फेंकता, अरे जाने दो ना, फंसा क्यों रहे हो मेरे को। अब भगाते हैं गाइज अपनी गाड़ी को, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा तगड़े वाली अगर इन्होंने मेरे को यहाँ पर पकड़ लिया। जो ट्रक एंड ट्रेलर और वो जो पत्थर था उसको तो हम लोग छोड़ करके आ गए हैं, जैसे तैसे अगर जान बची तो जुगाड़ लगा लेंगे। और भक्के धक्का मार रहे हैं मेरे को बहुत ज़्यादा गंदे वाला, देख रहे हो यार इन्होंने हल्का सा मेरे को धक्का मारा, और अपनी गाड़ी कहाँ इतनी स्पीड में, ब्रेक फेल हो गया क्या इसकी, मैं तभी कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा स्पीड में ये कैसे जा चुकी है। और अरे भाई नहीं 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 फाइनली इसको रोकना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो बहुत ठीक है भाई फाइनली कंट्रोल तो मैंने कर लिया गाड़ी। अब एक काम करते हैं, मेरे पास स्टिकी बॉम्ब है, स्टिकी बॉम्ब छोड़ो, ये टीयर गैस मोलोटोव, मोलोटोव काम आएगी क्या, और चल निकल इधर से, इसके ना ऐसे रख के बजाने वाला हूँ, इसको आने दो भाई, ऊपर छोड़ो मोलोटोव, हम लोग ना नीचे फेंक करके मारते हैं। और ऊपर तो हेलीकॉप्टर को मेरे को तो नहीं लग रहा कि पहुँचने भी वाला मोलोटोव। अब भगाते अपनी गाड़ी को, जो अपनी गाड़ी है ना ज़्यादा देर तक ना टिक नहीं पाएगी सड़क के ऊपर, आपको दिख ही रहा होगा इसकी हालत, ये रोल्स रॉयस जैसी थी दिखने में, लेकिन इस टाइम पर क्या भाई इसकी मारुति जैसी शक्ल बना दी है। और भगाते हैं इसको जल्दी से, और जो पुलिस है वो पीछे की साइड पड़ी हुई है, और लेस्टर ने तो भाई उसके हेडशॉट बजा दिया। लेस्टर एंड फ्रैंकलिन दोनों इस टाइम पर जख्मी हैं, लेकिन लड़ाई के मामले में ये इस टाइम पर जख्मी बिल्कुल भी नहीं मेरे को लग रहे हैं। अब भगाते हैं इससे पहले कि और पुलिस वाले आ जाएं। और लेस्टर कह रहा है कि सामने की साइड पुलिस वाले हैं, तो एक काम कर माइकल गाड़ी को ना पीछे की साइड घुमा ले, और मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, तो ऊपर पुलिस का हेलीकॉप्टर भी है, इन्होंने मेरे को शायद से अभी तक तो नहीं देखा। नहीं हेलीकॉप्टर सीधा आगे की साइड जा चुका, तो मैं एक काम करता हूँ यार, सामने की साइड से ना मेरे को सायरन की तो आवाज़ आ रही है, तो एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को यहाँ से घुमाते हैं। और ये फैक्ट्री ना, ओ भाई ये तो वही फैक्ट्री है ना, नहीं ये फैक्ट्री कुछ और है, लेकिन ये जंक यार्ड है, मेरे को लग रहा है कि ये लेस्टर के फ्रेंड की फैक्ट्री है। और हम लोग इस फैक्ट्री के अंदर आ चुके हैं, और एक काम करते हैं भाई जल्दी से ना छुपना होगा अपने को, जैसे तैसे जहाँ जगह मिले छुप जाओ, और जो हेलीकॉप्टर है पुलिस के वो पागलों की तरह हमें ढूंढ रहे हैं। मैं ना एक काम करता हूँ जल्दी से ना यहाँ पर आकर के रुक जाता हूँ, और तुम लोग भी जल्दी से छुप जाओ इधर, ठीक है। और फ्रैंक भाई यार एक काम करना पड़ेगा यार, तुम्हें अगर देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अरे यार तू छुप जा भाई, क्यों लड़ाई नहीं करनी अपने को, भाई यार ये लड़ाई करने जा रहा है मेरे को तो ऐसा लग रहा है, अपने को बस छुपना होगा इधर। ठीक है गाइस इस टाइम पर हम लोग छुपे तो हुए हैं, शायद से ना हेलीकॉप्टर और बाकियों की नज़र अपने पे नहीं पड़ी है, लेकिन एक मिनट ये देख रही है हेलीकॉप्टर बिल्कुल अपने सर के ऊपर है, अपने को इसको ना जल्दी से ख़त्म करना होगा। और यहाँ पर जैसे तैसे, ओ भाई मिस हो गया, और वो डर करके भाग गया, तो एक और चला देते हैं यहाँ पर। देखो गाइस वो जो हेलीकॉप्टर है ना उसको तो हमने ब्लास्ट कर दिया है, और जो उसके पार्ट्स हैं इधर उधर गिर चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लोकेशन को रिवील कर दिया है,
तो अपने को एक काम करना होगा, यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले आ रहे हैं अपने को इनको खत्म करना होगा। ठीक है लेस्टर एंड फ्रैंकलिन, तुम लोग भी मेरे साथ आ जाओ अब जल्दी से ना, इसको तो तुम्हारे भाई ने हेड बजा दिया है। और स्वैट टीम ये कहाँ से आ रही है इधर, एक मिनट दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा तगड़े वाली। अब जल्दी से ना इस वाली गाड़ी में बैठते हैं। ये स्वैट टीम यहाँ पर क्या करने आ रही है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, इतना ज्यादा खतरनाक सीन थोड़ी हुआ है कि पूरी की पूरी स्वैट टीम ही भेज देंगे ये लोग अपने ऊपर अटैक कराने के लिए। तो बॉम्ब वगैरह तो मैंने फेंक दिए हैं, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो दूसरा भी ब्लास्ट हो गया, और अपने को इस टाइम पर अपनी जान बचा करके इनकी गाड़ी लेकर के निकलना पड़ेगा। और इसका भी यार बैठते आगे वाला टायर पूरा ब्लास्ट हो गया है, तो एक काम करता हूँ मैंने इसको भगाता हूँ इधर से। और नहीं यार ये नहीं टिकने वाली गाड़ी, मेरे को बस एक टनल ढूंढनी होगी। टनल तो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले ये जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं ना इनकी गेम बजानी पड़ेगी। एक हेलीकॉप्टर को तो तुम्हारे भाई ने बजा दिया है, और बाकी इस टाइम पर मेरे पास ना बसुका है पूरी 17, तो 17 की 17 इधर चलाने वाला हूँ, और वेपन्स की कोई भी कमी नहीं है। और अपने अरे भाई बंकर तो मैं भूल ही गया था यार, क्योंकि बंकर तो आज मिलिट्री का नल पहुँचने वाला है, तो जल्दी से अपने को एक काम करना है, आज इनको क्लियर करने के बाद एक पत्थर का जुगाड़ करना है, पत्थर उस लोकेशन पर रखना है और फिर हम लोग सुरक्षित हो जाएंगे। और एक हेलीकॉप्टर और आ रहा है ना कहीं से, आ जा भाई जल्दी यार, इतना ज़्यादा वेट मत करवा। नहीं ये एयरप्लेन है, पता नहीं भाई कहीं भी होगा। अब जल्दी से ना हम लोग बैठते हैं अपनी गाड़ी में, और यहाँ से ना अपने को निकल लेना होगा। और वैसे भी ना हम लोग इस गाड़ी को घर तक नहीं लेकर के जा सकते हो, ये देख रहे हो जब हम लोग जा रहे हैं उसी टाइम ये आ रहा है यार, तो लेट हो गया यार आने में, लेकिन इस टाइम पर ख़त्म हो गया जल्दी से। ठीक है अरे नहीं एक और आ रहा है यार हेलीकॉप्टर। अब फ्रैंकलिन तुम पुलिस वालों को संभालो, उस हेलीकॉप्टर को भी मैंने ब्लास्ट कर दिया। और ना अब बंदों की बारी है, ये स्वैट टीम आ रही है, मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि स्वैट वाले क्या करने के लिए आ रहे हैं अपने पास, लेकिन जो भी है ख़त्म इसको तुम्हारे भाई ने कर दिया है। और भाई 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 जल्दी से ना कवर लेता हूँ और अब इनको ना ख़त्म करता हूँ। फ्रैंकलिन एंड लेस्टर आ चुके हैं मेरे पास, और लेस्टर कहाँ है, लेस्टर बेहोश नहीं, लेस्टर यहीं पर है, मेरे को लगा कि बेहोश हो गया। और हम लोग हर तरफ से घिर चुके हैं इस टाइम पर, और देख रहे हो लेफ्ट साइड में भी पुलिस वाले हैं, राइट में भी पुलिस वाले हैं, और बहुत ज़्यादा तगड़ा सीन हो सकता है। तो बंदूका मैं घर थोड़ी लेकर के जाऊँगा, अब इनको ना ब्लास्ट करता हूँ इधर से। और मेरे को एक गाड़ी चाहिए, जैसे तैसे अगर गाड़ी मिल जाएगी तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। ठीक है हेलीकॉप्टर आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दूर है क्या यार, अभी तो क्लोज नहीं है मेरे हेलीकॉप्टर, मेरे को आवाज़ आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था इस टाइम पर, उसको ख़त्म कर दिया है। और एक काम करते हैं स्नाइपर निकालते हैं, चल निकल इधर से, और चल निकल इधर से, और पुलिस वाले आ रहे हैं तो एक शॉट में दोनों तो नहीं गए, लेकिन हेड तो मैंने बचा दिया है। लेफ्टर एंड फ्रैंकलिन मेरे को कवर कर रहे हैं और मैं इनकी गेम बजाने में लगा हुआ हूँ। और अब उठ बेटा निकल इधर से, और तू बंदे तू भी ख़त्म हो। और कुछ बंदे सामने की साइड हैं, और बिल्कुल ना यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया है। और बंदे आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, और मेरे को भी एक काम करना होगा जल्दी से ना, बस एक पुलिस की कोई गाड़ी मिल जाए जो थोड़ी साफ़ सुथरी सी हो और हम लोग उसमें बैठ करके निकल सकते हैं। और ये गाड़ी सही रहेगी, पूरी प्रॉपर रहेगी, भागने में भी तेज़ रहेगी। एक तो पुलिस की कोई भी गाड़ी उठा लो, भागने में तो तेज़ रहती ही रहती है कुछ भी हो जाए। अब बैठते हैं इस शेरिफ की गाड़ी में। कहाँ पर हो भाई लेस्टर एंड फ्रैंकलिन तुम दोनों? फ्रैंकलिन यहाँ पर है, लेस्टर इधर है, तो जल्दी से ना फ्रैंकलिन बैठ जल्दी से, लेस्टर तू भी गाड़ी में बैठ, और करते हैं ब्लास्ट। इनका ना दिमाग इधर उधर दौड़ता रहेगा, पूरा कंफ्यूज कर देने वाला हूँ। ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक वाली फाइट नहीं होगी पुलिस वालों से। और चलो निकलो इधर से, भाई क्या गंदा मार रहा हूँ मैं इन्हें। और लेकिन अपने को ना एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से बचने के बाद अपने को जाना होगा उस पत्थर का जुगाड़ करने, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से बच करके निकल पाऊँगा, क्योंकि 5 स्टार अपने पीछे हैं पुलिस के, क्योंकि एक्सीडेंट से शुरुआत हुई है। और क्या ही गंदा वाला सीन हो गया है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी अपने पीछे है और सारी पुलिस अपने पीछे है। अब देखते हैं गाइस हमें टनल मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। देखो गाइस कितने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स, कितने ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ अपने पीछे लगी हुई हैं, और बचना तो इम्पॉसिबल टाइप ही है। और लेकिन ना अपने को जैसे तैसे यहाँ से ना भगानी पड़ेगी अपनी गाड़ी अगर बचना है, और अपने को पत्थर का जुगाड़ भी करना होगा। और 120 से ऊपर बिल्कुल भी ये गाड़ी नहीं जा रही है, और मेरे को ना बहुत ज़्यादा आराम से भाई जाने दे यार, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम होगी है। और मेरे को ना यार इसको भगा लेना पड़ेगा इधर से, और पीछे की साइड एक स्टिकी बॉम्ब फेंकता हूँ। ठीक है वो ब्लास्ट करा, और स्टिकी बॉम्ब भी मेरे पास पूरे 14 रह गए हैं, तो अपने को ना थोड़ा लिमिट से इनको यूज़ करना पड़ेगा। और इस टाइम पर जो जान बचा सकते हैं मेरी वो ये स्टिकी बॉम्ब हैं। और ठीक है यार देखा रहेगा, हार तो हम लोग नहीं मानने वाले। एक तो ना लेस्टर अपने साथ आज फंस गया है, मेन बंदा लेस्टर है, अगर हम प्रिजन में गए तो लेस्टर अपने को बचा सकता है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है ये लोग प्रिजन में नहीं अपने को डालेंगे, ये लोग सीधा अपना एनकाउंटर कर देंगे।
तो मैं तो जस्ट भाग ही रहा हूँ, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या सकता हूँ। ठीक है यार, ब्लास्ट इनको भी कर दिया तुम्हारे भाई ने। तो चलो गाइस यार, आज की वीडियो में इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर देना और कमेंट्स में जरूर से बताओ हम लोग पुलिस से बच सकेंगे कि नहीं बच सकेंगे। और अगर पुलिस से बच गए तो मेरे को लग रहा है कि हम लोग मिलिट्री से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। अब अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम कम है तो जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो गाइस यार, इस टाइम पर मेरे को एक गाड़ी मिल गई है और वो गाड़ी का तो पूरा हाल हो चुका है। और बैठ भाई लेस्टर जल्दी से, भाई कोई पार्टी में नहीं आया तू, इधर बहुत ज़्यादा आराम से बैठ रहा है। अब इनको ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस आया यार। अगर ये लोग लॉकडाउन लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ी है तो अपने को ना ट्राई करना होगा कि ये पंचर ना हो जाए बिल्कुल भी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़े वाली प्रॉब्लम वैसी हो जाएगी। और देखते हैं गाइस हम लोग मिलिट्री के हाथ से बच पाएंगे या पुलिस के हाथ से बच पाएंगे। अगर हम लोग आज पुलिस के हाथ से बच गए तो मेरे को लग रहा है कि हम लोग मिलिट्री के हाथ से मर जाएंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। और जैसे तैसे ना अपने को पहले इनसे बचना होगा, इसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे। और लेस्टर भी बेचारा सोच रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया। तो चलो गाइस यार, आज की वीडियो में इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर के जरूर से लाइक कर दो। चैनल पर चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का लाइक एम आपको मैंने बता दिया 15,000 लाइक्स का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं करा। 3,25,000 के बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।